on 25th March in Delhi, 1976. When the soul leaves this body, then what it is? It has no value, a lump of matter, just like a motor car. So long it is moving, it is worth 1 lakh. And so long it does not move, it is simply a lump of iron and copper and something. Who cares for it? It is thrown away. Same thing, the body has no value. It has value so long the soul is there. So, jab tak atma hai, tab tak is sharir ki value hai. I was just remembering when my mother passed away, I called up Guru Maharaj and I said, we want to do CNG. Say, unka cremation karna hai. I'm not doing with wood fire. We plan to do it with electric. So Guru Maharaj said, it doesn't matter. The soul is gone now. The soul has gone. The body has no value. So it can be cremated anyway. तो हम लोग बहुत करते हैं कि चंदन की लकड़ी होनी चाहिए, वीआईपी अरेंजमेंट होना चाहिए. और आई हैव सीन किसी के घर से कोई जाता है तो वो सबसे वो बड़ी वैल्यू शमशान घाट में भी वो वाला स्थान ढूंढते हैं जो वीआईपी है, जो नंबर वन है, जहां पर कहा गया है ये हायर पेडेस्टल पे बना हुआ. लोग सोचते हैं वही करना है क्रिमेशन. वहां नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे. इमेजिन कि डेड बॉडी को क्रिमेट करने वक्त भी उनको ये चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे. लोगों को दिखाने के लिए चंदन की लकड़ी मंगवाओ, इतना कुछ वीआईपी अरेंजमेंट और ये सब, मतलब उसमें भी उनको शो ऑफ करना है. तो व्हाट इज दिस लाइफ. तो जब तक आत्मा थी तब तक तो उसको ज्ञान दिया नहीं. जब मृत्यु के पश्चात सब कहते हैं राम नाम सत्य है, जब बॉडी डेड बॉडी के आगे चलते हैं तब कहते रहते हैं राम नाम सत्य है. तो राम नाम सत्य तो एक्चुअली उस बॉडी को सुनाने से अब क्या फायदा जिसकी आत्मा ही चली गई. तो ये तो जब जीवित है तब के लिए है. और तब कोई कहता है राम नाम सत्य है तो कहते हैं शुभ शुभ बोलो, क्या अशुभ बातें कर रहे हो. सो पीपल आर वेरी फनी विदाउट इंटेलिजेंस विदाउट ब्रेन्स, इट इज लाइक दैट. सो वही प्रभुपाद हैज अवेकेंड एवरीबॉडी कि वेक अप, इट्स हाई टाइम कि तुम सब जागे हो, जाकर सुनो इस वैल्यू किसकी है, आत्मा की है. जब तक आत्मा है तब तक नाम जप कर लो. शरीर, मृत शरीर को क्या फर्क पड़ेगा कीर्तन सुनाने से, नाम जप सुनाने से. हरि बोल.